नमस्कार साथियों, राम राम आप सब। ना मैरी मन आप सबके बीच में आज एक बार फिर तो उपस्थित हुई हूँ और एक कविता लिखी थी जिसके अंदर जो आजकल का माहौल चलने लग रहा है, मतलब आजकल के बच्चों को ये नहीं पता कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। वो बहुत छोटी उम्र में इसी से सिचुएशन उनके जमी पैदा हो जाए जो उन्होंने नहीं पता होता कि क्या करना है क्या नहीं करना होगा। फिर इसी से अपना स्वामी इसी से कई केसेस इसे आए हैं जो पर्सनली जब मैं मेरी बात करूं तो फोन करके ने बहुत छोटी छोटी लड़कियां मेरे तभी यूं पूछे है कि हम इस सिचुएशन में फंस गए तो हम की करें। तो आप सबके बीच में कविता रखने का प्रयास करा है, बताइए आप सबने किसे लगे कमेंट बॉक्स में कि दो दिन के प्रेम प्यार में जिसने माँ बाप ठुकराए थे, दो दिन के प्रेम प्यार में जिसने माँ बाप ठुकराए थे, लाग गया था अजनबी सच्चा और घर के गलत बताए थे, लाग गया था अजनबी सच्चा और घर के गलत बताए थे, इब चले है कोर्ट केस तारीख पे तारीख हावे, इब चले है कोर्ट पे केस और तारीख पे तारीख हावे है, जिसकी गैलियां गई बाबा जी के, इब उसने वो बहुत घना सतावे है, इब उसने समझ में आवे से माँ बाप ने उसकी खातिर कितने दुख ठाए थे, अरे अजनबी लग गया था सच्चा जिसने घर के गलत बताए थे, दो दिन के प्रेम प्यार में जिसने माँ बाप ठुकराए थे, कि सेफ हाउस की सेफ्टी ने वह बहुत घनी सताई थी, सेफ हाउस वाली सेफ्टी ने वह बहुत घनी सताई थी, और जिसने बाबू बुरा लग गया था, माँ भी जिसने अपनी दुश्मन बताई थी, उसने सबके मुंह की खाई थी जिसने ये रास्ते अपनाए थे, और लग गया था एक अजनबी सच्चा घर के गलत बताए थे, दो दिन के प्रेम प्यार में जिसने माँ बाबू अपने ठुकराए थे। इसे परिणाम होया करे जो करया करे इसे काम, इसे उनके परिणाम होया करे जो करया करे ऐसे काम, बनया बनाया बिगाड़ देवे खो दे से माँ बाबू का नाम, और दिख्या करे बस एक राम, दिख्या करे बस एक राम और कुछ नहीं, बस रिमन पे लेख लिखाए थे, दो दिन के प्रेम प्यार में जिसने माँ बाबू अपने ठुकराए थे, लग गया था अजनबी सच्चा घर के गलत बताए थे, घर के गलत बताए थे। और वाकई में जब लोग या बच्चे कह लो इसी से रस्ते अपनाया कर रहे है, तो मंद बुद्धि में या कह लो बालक बुद्धि में कोई फैसला तो लिया जा रहा है, लेकिन वो फैसला कितना गलत साबित होया कर रहा है इसका आगे जाके नबेरा पाटा कर रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि समय तो पहला और आप में आके ने कोई भी फैसला हमने नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन बातों में फिर उकया कर रहा है कि इसी सिचुएशन पैदा होया कर रहा है, फिर परिवार वाले भी उसके साथ नहीं होते और गांव वाले भी उसके साथ नहीं होते, और जहां परिवार और गांव नहीं होता वहां जीवन जो है मेरा मानना है कि अधूरा अधूरा हो जाता है, और फिर दर दर की ठोकर खानी पड़ा करें।